आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने जीत को हासिल किया, जिसके बाद अब कांग्रेस यहां पर हुई हार को लेकर जल्द ही मंथन करने के लिए बैठक करेगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने स्पष्ट किया कि यहां पर मिली हार के सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने भव्य बिश्नोई को जीत की बधाई दी। आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि भजनलाल के नाम पर बीजेपी की यह जीत हुई। भव्य बिश्नोई नया चेहरा था, कुलदीप बिश्नोई प्रत्याशी होता तो बीजेपी की हार होती। और आगे कहा कि सरकार ने आदमपुर को पेरिस बनाने का वायदा किया था, धनबल का भी इस चुनाव में उपयोग हुआ। जयप्रकाश ने अच्छी वोट ली है, जनता सोचती है कि सरकार का विधायक बनने से कामकाज होंगे। आने वाले 2 साल में जीत के मार्जिन को कांग्रेस खत्म करेगी और 2 साल में कोई विकास नहीं होगा। हम इस हार की समीक्षा करेंगे कि किस तरह से और बेहतर हम कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है, हमारे सारे वर्करों ने एक एक बूथ पर बहुत मेहनत की है, उनको हम सबको उनको बधाई भी देते हैं और इस जीत के लिए हम भव्य बिश्नोई को बहुत मुबारकबाद देते हैं और आदमपुर की जनता का जो मैंडेट है उसको हम बिल्कुल दिल से स्वीकार करते हैं। क्या लगता है कि किन बिंदुओं पर ये चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्या नतीजों का आने वाले चुनाव में असर नहीं पड़ेगा? ये चुनाव में कोई बीजेपी और जेजेपी का तो कोई वहाँ पर कोई कार्य था ही नहीं जिसके नाम से वोट मांगते। वोट तो बल्कि कांग्रेस पार्टी ही अपने कार्यों के नाम पर वोट मांग रही थी। और जहाँ तक है, इन्होंने तो सिर्फ केवल और केवल चौधरी भजनलाल के नाम से वोट मांगने का काम किया, चौधरी भजनलाल के काम गिनवाए और चौधरी भजनलाल ने उस इलाके में काफ़ी काम किए हैं और उनका लोग बहुत आदर करते हैं। और जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई से तो लोग बहुत रुष्ट थे, नाराज थे। अगर ये कैंडिडेट होते तो निश्चित तौर से ये चुनाव हारते, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को भव्य बिश्नोई को आगे किया, इसी वजह से कि भव्य के प्रति किसी को कोई नाराजगी थी नहीं। चौधरी भजनलाल का पोता है भाई, इसको आगे बढ़ाओ। कुलदीप तो जैसा था उसने तो अपना वो दिखा दिया, लेकिन भाई इसको पोते को आगे बढ़ाओ, तो लोगों ने उसको उस पर भरोसा किया। और दूसरा भरोसा किया इस बात पर कि भाई सरकार बीजेपी की है, 2 साल है, ये सब दिमाग दिखा रहे हैं, पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं, मंडी आदमपुर को 625 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि 625 करोड़ रुपये हमने मंजूर कर दिए फाइल पर और वो अब काम कराएंगे। तो लोगों को ये था भाई 2 साल इनकी सरकार है तो विकास के काम हो जाएंगे। तो 2024 में